हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने जैसे कहा था, आई एम स्टार्टिंग विद मुंबई सीरीज़। सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मुंबई सीरीज़। मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई की वो सारी पॉपुलर जगह जो यू मस्ट विजिट इफ़ यू आर इन मुंबई और यू आर प्लानिंग टू विजिट मुंबई। सो लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ कहाँ जाएंगे, जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे मैं आपको बता दूँगी। सो आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो एंड वन मोर रिमाइंडर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम आए थे सिद्धिविनायक टेंपल, जो कि है दादर वेस्ट में। सो हम यहाँ पहुँचलो है सिद्धिविनायक टेंपल ला। टाइम इज अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आप अगर सिद्धिविनायक टेंपल आना चाहते हो तो आप मुंबई लोकल ट्रेन से दादर स्टेशन उतर सकते हो और दादर स्टेशन से आपको वेस्ट आके टैक्सी लेना होगा टू द सिद्धिविनायक टेंपल। सिद्धिविनायक टेंपल सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन होता है फॉर दर्शन। यहाँ लास्ट आरती होती है रात को 9:50 को। सिद्धिविनायक टेंपल मुंबई का एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। गणेश जी की ये सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाई तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धिपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण कार्य 19 नवंबर 1801 में पूरा हुआ, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लगी धनराशि एक किसान महिला ने दी थी। उस महिला की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि जो भी महिला इस मंदिर में अपनी भक्ति और श्रद्धा से आए, गणपति बापा उससे ऐसा आशीर्वाद दे कि वो महिला कभी भी बिना संतान की न रहे। हम अधिकांश गणपति जी की मूर्तियों को देखते हैं तो उनकी सूंड बाई ओर नजर आती है। भगवान गणेश इस मंदिर में अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ स्थापित किए गए हैं। मूषक के कान में कही जाती है मनोकामनाएं। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है जिसकी वजह से मूषक उनका वाहन बना। मूषक को भी अत्यंत चैतन्य जानवर माना जाता है और वह किसी भी घटना से पहले ही सतर्क रहता है। इसी वजह से यदि हम कोई भी मनोकामना भगवान गणेश तक पहुंचानी होती है तो मूषक के कान में कही जाती है।
जैसे आप सभी जानते हो ये मुंबई सीरीज व्लॉग है, तो ये व्लॉग आपको कुछ हिंदी में और कुछ मराठी में होगी। आम्ही आता आलो आहे स्वामी समर्थांच्या मठात, जे आहे दादर परिसरात। हे मठ आहे दादर वेसला। श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराजांचा दादर येथील श्री स्वामी समर्थ मठ अलीकडे दादर मठ नावाने ओळखला जातो। श्री सद्गुरु बाळकृष्ण महाराज सूरतकर यांनी 29 मे 1910 साली स्थापन केला। इथे येण्यासाठी तुम्हाला दादर वेस्टला यावं लागेल आधी, आणि समजा लोकल ट्रेनने येत असाल तर दादर वेस्ट स्टेशनला उतरून परत टॅक्सी करावी लागेल। इथे येऊन खूप बरं वाटलं। स्वामींचा आवाज कानात गुंजत होता। भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। अब हम आए हैं मुंबई के सर्वाधिक प्राचीन धर्मस्थलों में से एक, महालक्ष्मी मंदिर। समुद्र के किनारे भुलाबाई देसाई मार्ग पर स्थित है मंदिर। अत्यंत सुंदर, आकर्षक और लाखों लोगों का आस्था का प्रमुख केंद्र है ये। लक्ष्मी जी को धन, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शक्ति, भोजन, वैभव, धैर्य, मोक्ष, प्रेम, सौंदर्य, स्त्री तत्व और संतान की देवी, मूल, प्रकृति, जगत माता, ब्रह्मा जननी, आदि शक्ति, जगदम्बा, धन, वैभव, धन्य, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि और करुणा की देवी माना जाता है। Thank you.
वर्ष जुनं मंदिर जे आहे महालक्ष्मी परिसरातच देवळाच्या बाहेरच आहे आणि या मंदिराचं नाव आहे श्री ढाकलेश्वर महादेव मंदिर. खूप सुंदर मंदिर आहे. तुम्ही समजा महालक्ष्मीला आलात तर इथे नक्की या. हे आहे श्री नारायण मंदिर जे अगदी महालक्ष्मी मंदिराच्या बाहेरच आहे. आम्ही इथे पोचलो साधारण 9:15 आणि तिथे मंदिर सध्या बंद होतं कारण की देवाला भोजनचं टाईम झालं होतं म्हणून ते बंद होतं. तो ये था हमारा लास्ट मंदिर. आज के लिए इतना ही. आपको मुंबई सीरीज़ में नेक्स्ट और कई ज़्यादा न्यू डेस्टिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. टिल देन वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड लव योर पेरेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.